नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर नरेंद्र सिंह चौहान, पत्नी सीमा और बेटे आदित्य की एक साथ खून से लथपथ डेड बॉडी मिलने के बाद वहां तहलका मच गया। तीनों की मौत गोली लगने की वजह से हुई थी। खबर है कि मौके से एक बंदूक भी मिली है। तीनों के शव घर की पहली मंजिल पर एक साथ मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना ग्वालियर के बहोरापुर के 12 बीघा इलाके से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घर के नौकर संतोष ने बताया कि आज नीचे फ्लोर पर झाड़ू पोछा करने के बाद जब वो ऊपर फ्लोर पर पहुंचा तो गेट बंद था। खबर कॉन्ट्रैक्टर की बहन को दी गई। बहन जब घर पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर तीनों के खून से लथपथ शव और बंदूक मिली। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है। यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।